नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन नेटवर्क और मैं हूं नीरज अहमद। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये कोरोना पॉजिटिव भिंड मध्य प्रदेश का वीडियो है और ये वीडियो काफी वायरल है। इसकी पुष्टि मेरा चैनल नहीं करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उड़ धज्जिया को आप देख सकते हैं क्या लापरवाही है और लापरवाही का आलम क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। आप लोग देख नहीं रहे ना, वो वहाँ का नर्सिंग समझ रखा, बिल्कुल उसने बेवकूफ बना लिया। वो देख ही नहीं रहा, बोलते डॉक्टर अब आएंगे। मैं बोल रहा हूँ मुझे दिक्कत हो रही सांस में। बात ये है, कोविड वालों को देख नहीं रहा कोई। मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर मुझे अटेंड नहीं कर रहे, 3 घंटे से लेटा दिया वहां ले जाके। अरे कोई अटेंड नहीं कर रहा ना यहाँ डॉक्टर। कोविड पेशेंट है वो, कह रहे हैं क्लियर पॉजिटिव हूँ, मुझे जाके लेटा दिया वहां पे पल्स मीटर तक लेके नहीं आ रहे, 3 घंटे से डाल रखा है। मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ खाया नहीं है, नहीं लगा ये तो बुला लो पूरा प्रशासन को, सीएमओ को बुला लो। हम ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं जाऊंगा, बुला लो पहले सीनियर डॉक्टर को। एक और दो डॉक्टर वहां जाके बैठ के देख चुके हैं, मुझे नहीं देख रहे। बिल्कुल सही वीडियो बन रही, बिल्कुल सही। पब्लिक पे डलेगी यार, पब्लिक पे डलेगी। बहुत लापरवाही चल रही है लोगों की, मन मर्जी कहो के कहो। चलो स्थानीय आयता फीवर देने पर उसको दिखा दिया था, इसलिए की गई थी जांच की गई थी तथा उसको सलाह दी गई थी कि वो फिर जो आसन भर्ती की जाए। वहां तक गया, उसके बाद ऐसा बात मेरे 2 बजे बताया गया है और उसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद वापस आ गया कि नहीं हमको चिंता लग रहा है, यहाँ पर व्यवस्था है, बाहर आके बैठ गया। क्या लगता है कि मतलब अब व्यवस्थाओं का माहौल इस तरह था कि मतलब उसको मजबूर होना पड़ा बाहर बैठने के लिए? अवस्था होती तो एक के साथ नहीं होती, सभी इतने सारे लोग मरीज हैं, सभी लोग अंदर से बाहर आ जाते ना। अगर ऐसा होता एक ही आदमी बाहर आया तो पीछे कोई तो वही क्यों बाहर आया? अब तो वही क्यों आया और क्यों नहीं आया? अवस्था होती सभी लोग बाहर आते हैं। तो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह की व्यवस्था है बिल्कुल सही, ओके है जिला अस्पताल में कोविड के मरीज के लिए? अच्छा, कहाँ पर रहने वाला था, कब आया था? मुझे जानकारी नाम, तो अभी उसकी हालत क्या है? हालत तो पहले भी बुखार आ रहा था, हालत तो स्टेबल है। उसका एसपीओ भी ठीक था, जो ऑक्सीजन लेवल था वो ठीक था, फिर बुखार कम्प्लेन किसी तरह से आया। आपको ये नहीं लगता कि मतलब जिस तरह से कोरोना का एक मरीज है अब व्यवस्थाओं से नाराज होकर जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठता है, तो ये गंभीर मामला नहीं है क्या? ये नहीं सर, अगर व्यवस्थाएं होती तो मैं बस आपको घर सकते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि अगर व्यवस्थाएं होती तो सभी मरीजों के साथ होती, मरीज अकेले के साथ नहीं होती सर। मेरे हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी मैं उससे जाके बात करूंगा, पूछूंगा क्या दिक्कत है। जब मैं मीटिंग से फ्री हो गया हूँ।